आज आपके साथ 23 दिसंबर 2022 के मेरे यूट्यूब लाइव में सबका स्वागत करता हूँ। एक 50-60 लोग आन दीजिए, फिर भी बात करना स्टार्ट करता हूँ। मुझे सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मेरा अकाउंट भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171। IFSC कोड है SBIN00107911। गूगल पे नंबर है 9096289202। शुभ सकाळ, शुभ सकाळ। मेरी सुबह तो वैसे 5 बजे हो जाती है, आप सभी के लिए अभी शुभ सकाळ, मॉर्निंग। मेरे कम से कम 4.5 घंटे हो चुके हैं मॉर्निंग। प्रणाम प्रणाम। लव यू जी, नाइस टी शर्ट, थैंक यू। जब से मॉर्निंग वॉक चालू किया है तब से मैंने फिर से टी शर्ट्स और जींस वगैरह स्टार्ट की है। मेरे बाजू में दो अच्छे हैं हमारे सी साहब के पास। सर आप टी शर्ट पहना करो सर, आप तो अच्छे दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, अच्छे। बहुत 10 दिन मेरे पीछे लग गए। और ठीक है यार, 2-3 शर्ट लेके आ जाता हूँ। गया तो दोस्त है मेरा जो सुबह मेरे साथ आता है, युवराज पहचान का एक था आउटलेट, वहाँ पे गया। अच्छे थे कलेक्शन। कलेक्शन तो मुझे मैसेज किया कि सर आपकी साइज़ क्या है टी शर्ट्स की, तो एम साइज़ है मेरा, मिडल मीडियम साइज़ है। वो चाहता था सर मैं आपको क्रिसमस के लिए गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। ठीक है यार, मैं तब कहीं तो बिजी था, मैंने बाद में देखा मैसेज। अब सुबह जल्दी उठता हूँ तो इतना थक जाता हूँ एक्सरसाइज वगैरह करके। 10 बजे आगे कैसे शुरू हो गई होगी, तो 10 बजे मैं सो जाता हूँ। तो इसलिए आप टेलीग्राम पे देखिए, मेरा 8:30-9 के बाद में मेरा कोई मैसेज वगैरह नहीं रहता है, बच्चों के साथ खेल के। 10 बजे कल तो 10:15 बजे सो गया था, फिर भी रात को किसी ने भी 11:30 बजे कॉल किया, स्क्रीन शॉट। अगर उसने आज तो कल तो बांटती रहती थी तो स्क्रीन शॉट डालता था, मगर मैंने उठाया, मैंने सो ही गया था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया, थक गया था बहुत। तो असली चेहरे सबके सामने आ रहे हैं मेरे फेसबुक पे। आज का ही आप न्यूज़ उठा लीजिए दिव्य मराठी का, यहाँ के पॉलिटिशियंस लोग विधानसभा में लोगों के सवाल उठाना छोड़ के ये एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, यहाँ पे अतिवृष्टि हुई है महाराष्ट्र में उससे मर रहे हैं, उनको मदद नहीं पहुँच रही है, कुछ नहीं हो रहा है, मगर यहाँ पे एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। और सबसे गंदी बात, ये जो मुख्यमंत्री है इसने 5 एकड़ ज़मीन 2 करोड़ रुपये से सिर्फ लीज पे दी थी, जिसका वैल्यूएशन कम से कम 20-25 करोड़ रुपये था। ऐसे करप्ट लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में सत्ता में आ गए हैं, धर्म के नाम पे, धर्मवीर के दिघे साहब के नाम पे, बाला साहब ठाकरे जी के नाम पे यहाँ पे गंदा खिलौना राजकारण चल रहा है। और कौन सपोर्ट कर रहा है? BJP सपोर्ट कर रही है, घिनौना राजकारण है, बहुत घिनौना। और क्या है, इन सब चीज़ों की वजह से पृथ्वी जो है, गाया जो है, वो अब देगी मौका, देगी। तुम कर रहे हो क्या बदल, तुम कुछ चेंजेस करने वाले हो क्या? नहीं तो भाई साहब फिर गाया अपने हाथ पे कंट्रोल ले लेगी। और अर्थक्वेक बढ़ेंगे, मौतें होगी, और कुछ नहीं, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। और मैंने कहा था होगा वही जो मैं कह रहा हूँ। लोग कह रहे थे ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा, हम भी तो डिवाइन के हैं। अब तुम हो, तुमने क्या किया है, तुमने अपने स्वार्थ के सिवा लोगों को क्या दिया? मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे वो टाइम कमेंट किए थे वो लेवल पे। हमारा डिवाइन हमारा हिसाब लेगा, बिल्कुल लेगा हिसाब, किसी का नहीं छूटेगा। कर्म किया है तो उसका फल तो मिलेगा ना, बख्शा कोई नहीं जाएगा। अजीत बादल क्या है भाई साहब, मुझे नहीं पता, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ तो मुझे नहीं पता है अजीत बादल क्या है।
गाड़ी में डीजल भरने आया हूँ, 2 मिनट। प्रणाम, लव यू। सातारा में कौन सा गांव सर? सातारा में गांव नहीं है, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में बाजू में सातारा गांव है, उस सातारा गांव का ये। मैं सातारा डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता हूँ, मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सातारा विलेज है, उस सातारे का पहाड़ है वो। आप सुनते नहीं है क्या मैं क्या कहता हूँ सुबह? नमस्कार, मैं डॉक्टर विलास जगदाड़े औरंगाबाद महाराष्ट्र से। ये मेरा पहला डायलॉग रहता है, मैं सातारा महाराष्ट्र से नहीं कहता हूँ, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से कहता हूँ। तो अभी कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ मैं, बहुत गुड मॉर्निंग हो गया। तो असली चेहरे सबके सामने आ रहे हैं। अमित शाह ने एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धमकी दी, बीच में टोकना तुम्हारे उम्र के लिए और तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इतनी ओपनली धमकी भारत का गृह मंत्री किसी सांसद को भरी सांसद में दे रहा है, और सांसद का अध्यक्ष बैठे तमाशा देख रहा था। इससे बड़ा जोक इस लोकतंत्र का हो ही नहीं सकता है। और राष्ट्रपति अगर इस पे अगर एक्शन नहीं लेंगी तो इससे बड़ा शर्मसार लोकतंत्र के लिए कुछ भी नहीं है। और इस पे हंस रहे थे बीजेपी के सांसद। तुम्हारे एक सांसद को, सीनियर सांसद को, जो कि 3-4 बार चुन के गया है, और ये सांसद अमित शाह, कई बार अडवाणी जी की जो सीट थी गुजरात की, वहाँ से चुन के गया है, जहाँ से अडवाणी जी का गए कई सालों से वो चुन के जाते हैं, वो सीट से उसको खड़ा किया। उसका कोई क्रेडिट नहीं है जिंदगी में, उसने कुछ नहीं किया लोगों के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी का उसने चमचेगिरी की, गुजरेगिरी की, उसका बख्शीश है कि इसको संसद बनाया गया है। जिंदगी में सोसाइटी के लिए क्या किया है बताओ अमित शाह ने? कुछ नहीं किया है। चांदी का एक नंबर का बिजनेसमैन है, भारत का सबसे बड़ा चांदी का बिजनेसमैन अमित शाह है। हजारों लाखों टन चांदी वो स्टॉक करके रखी हुई है उसने। चांदी का एक नंबर का डीलर है अमित शाह। कभी ईडी उसके ऊपर भी कार्रवाई करे तो माने, अगर नहीं करेगी तो हम आने आएंगे, तो हम फिर करेंगे, फिर सब निकालेंगे, फिर पूरा काला चिट्ठा हिसाब, फिर तुम्हारे सीबीआई विभाग जो इन्वेस्टिगेशन रुके हुए है नुसरत जहां मर्डर केस के, वो भी खुलेंगे। किसान, अखिल भारतीय किसान आंदोलन, जो कि एक पपेट आंदोलन है, जो आरएसएस का पपेट आंदोलन है, लोगों को गुमराह करने के लिए वो किया जा रहा है। और इसका भांडा मैंने सबसे पहले फोड़ दिया था कि ये पपेट आंदोलन है, और क्या कर देंगे। अभी कोई तो भी एक गोभी का न्यूज़ चैनल वाला है, गोभी, उसने मेरा जो स्लोगन है, जो जागेगा वही बचेगा, मैं 2.5 साल से वो स्लोगन दे रहा हूँ, चुरा लिया। क्या चुराओगे यार, क्या क्या चुराओगे? कंटेंट चुरा लिया, मेरे कंसेप्ट चुरा लिए, मेरी इनको इन्फॉर्मेशन चुरा ली, सब मैंने बताई हुई, अब तो मेरे स्लोगन भी चुरा रहे हो। गोभी के पत्ते तेरे को गोभी फ्राई करके खा लेंगे हम, टेंशन मत ले। अनसब्सक्राइब करो, वो जो गोभी का पत्ता है ना, उस गोभी के पत्ते को, उस फ्लावर को करो, चुराए हुए इंफॉर्मेशन। अरे पास ही न्यूज सुनने में तुमको क्या मजा आता है यार,
फ्रेश न्यूज़ सुननी है, मेरे पास आओ, फ्रेश न्यूज़ बता दूंगा मैं। मेरी न्यूज़ को दाल तड़का लगा के फ्राई करके मेरे स्लोगन चुरा के जिंदगी में क्या कर लोगे, क्या कर लिया है। जितने भी कंट्रोल अपोजिशन इन्होंने मेरे वीडियोज़ का कंटेंट उठा के क्या कर लिया है। आखिर में हिसाब तो तुमको भी देना पड़ने वाला है और हम ही लेंगे तुमसे हिसाब, क्योंकि हमारे साथ डिवाइन ही है। डिवाइन कल बोलेगा लो हिसाब, फिर देना तो पड़ेगा हिसाब हमारे पास आके। तुम्हारे चाचा मामा कुछ करने नहीं वाले हैं, मोदी चाचा और केजरीवाल मामा कुछ नहीं करने वाले हैं, दोनों पपेट है। 3 दिन से देख रहे हैं ड्रामा क्या चल रहा है, केजरीवाल मीटिंग ले रहा है, खुजलीवाल मीटिंग ले रहा है, योगी मीटिंग ले रहा है, शिंदे मीटिंग ले रहा है, सारे मीटिंगा ले रहे हैं। क्या करने के लिए? आपको घरों में फिर से कैद करने के लिए। और बजाओ ताली थाली और बजाओ तुम्हारे नेताओं के गुणगान गाओ, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे और उनके असली चेहरे सामने आए और फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा। उनके कर्मा उनका असली चेहरा सामने ला रहे हैं। इन कौरव अपने कृत्यों की वजह से वस्त्र हरण कर रहे हैं भारत का, इस भारत का वस्त्र हरण चल रहा है, लूटा जा रहा है। जितना लूट भारत की अब तक नहीं हुई उतनी लूट इस महामारी के नाम पे 2 साल में हो चुकी है। इन सारे IAS ऑफिसर की, इन सारे IPS ऑफिसर की, इन सारे मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, इन सब की प्रॉपर्टी 2 साल में अगर देखें तो 10-10, 20-20 गुना बढ़ गई है। टेंशन मतलब जब आएंगे तो सारा का सारा एक एक पैसा वसूल किया जाएगा। केजरीवाल, खुजलीवाल, मोदी, योगी, शाह, जो करना है कर लो, तुम्हारे जितना मंत्रिमंडल है डिवाइन छोड़ेगा नहीं। तुम ऐसे ही पाप करते रहो और लोग इस पर एक्शन नहीं देंगे, इन लोगों का भी हिसाब हो जाएगा। सोलर एक्स प्लस फ्लेयर प्लस जब हो जाएंगे, जब पृथ्वी डोलेगी, प्लेट हिलेंगे, जितने भी नॉर्थ के लोगों ने धर्म के नाम पे पैसा कमाया है, नॉर्थ रीजन पूरा का पूरा, साउथ में भी वही हाल है, साउथ में भी जमीन फटेगी, सुनामी आएगी, मिडल में भी होगा, पापियों का नाश तो होगा। जो डिवाइन के चूजन वन है, जिन्होंने समर्पण दिया है, वो उसको बराबर बचा लेता है। कैसा है, कैसा बचाता है, इतिहास जाके पढ़ लीजिए। क्या है, हम अब हिंट दे रहे हैं, अब हम डायरेक्ट बताना छोड़ दिया है, हिंट दे रहा हूं, डायरेक्ट कुछ नहीं बताएंगे अब, ना डेट देंगे ना तारीख देंगे। सारा ड्रामा चल रहा है द बिग डिस्क्लोजर के लिए, ये सारी चीज़ें उसी तरफ जा रही है कि बिग डिस्क्लोजर हो और सब सड़न होगा, सड़न। जैसे 3 दिन पहले कुछ नहीं था, 3 दिन से एकदम से धड़ाम से न्यूज़ आ गई कि महामारी स्टार्ट हो रही है, एकदम से न्यूज़ आ गई इंडिया चाइना वॉर स्टार्ट हो रहा है, इंडिया ने इसमें आँखें दिखाई, ये दिखाई, वो दिखाई, अब इंडिया चाइना वॉर स्टार्ट हो जाएगा, उसमें चाइना कूदेगा, अपने अमेरिका कूदेगा, रशिया कूदेगा और इसको World War III का पिक्चराइज किया जाएगा। है तो नहीं किसी में दम वॉर का, न्यूक्लियर हेड छोड़ने की, सिर्फ धमकियाँ देंगे, हम छोड़ेंगे। उससे क्या होगा, रिसेशन स्टार्ट होगा, उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज ठप हो जाएगा, सप्लाई ठप हो जाएगा, उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, उसकी वजह से क्राइसिस आएगी, फूड क्राइसिस होगी, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस होगा, डीजल पेट्रोलियम क्राइसिस होगा और महंगाई बढ़ेगी और नाम रखा जाएगा चाइना ने ये किया, चाइना ने वो किया। क्यों भाई साहब, G20 में मीटिंग में जाके हाथ पे हाथ मिला रहे थे तब चाइना के झगड़े याद नहीं आ रहे थे मोदी जी? बाइडन के साथ फोटो खींच रहे थे G20 में जाके जिनपिंग, तब उनको नहीं याद आ रहा था? आज हमला कर रहा है इंडिया की तरफ से अमेरिका, क्यों ड्रामा कर रहे हैं? और बेवकूफ़ मीडिया वाले तुमको ड्रामा समझाने पड़े तुले हैं, समझो कैसा लाख आंखें लाल कर रहा है भारत, कैसा मिसाइल से डर गया, बेवकूफ़ हो। यही 8 दिन नहीं हुए G20 की मीटिंग हुए, 3 दिन नहीं हुए G20 के सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव मुंबई में आके
पिज्जा बर्गर खा के गए, वड़ा पाव खा के गए, झुग्गी झोपड़ियों के सामने सफेद पंडाल लगाए गए, कपड़े लगाए गए, तंबू लगाए गए झुग्गी झोपड़े ढकने के लिए, मुंबई की बात कर रहा हूँ 3 दिन पहले, तुम बेवकूफों को उनके असली चेहरे सामने आ रहे फिर भी तुमको समझ नहीं पा रहे हो, मीडिया तुमको डाइवर्ट कर रहा है, भगवी निकर पहनी बोले उसने ब्रा पहनी है और उसके ऊपर दिंगाना हो रहा है, समझो मेन खेल चल रहा है तुम लोगों को डाइवर्ट करना, दीपिका पादुकोण है ही डाइवर्ट के लिए, इट्स अ डाइवर्जन पपेट, 2020 में भी उसको यूज किया गया था, अभी भी यूज कर रहे हैं, टंकी सब समझाया तुमको मैंने, अब समझाने मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी खाऊँ मेरे को कोई बुरा नहीं लग रहा कुछ नहीं, मेरे अपने फिटनेस पे ध्यान है, मेरा डाइट चल रहा है, मेरा योगा चल रहा है, मेरा मेडिटेशन चल रहा है, इसको मेरे साथ करना है, आओ करो जागो, मैंने जगाया तुमको और मेरा स्लोगन चुरा रहे हो, शर्म करो यार, खुद का स्लोगन बनाओ, सो स्लोगन बनाने के लिए उस डीप थिंकिंग लगती है तब जाके स्लोगन बनता है, लोगों के दिलों में हाथ लगाता है स्लोगन, इसलिए उसको स्लोगन कहा जाता है, इसलिए उसको नारा कहा जाता है, गोभी के पत्ते चिंदी चोर, खुद का तो कुछ है नहीं है, लोगों के इंटरव्यू ले लेके चला रहा है तेरा चैनल, पेट पूजा कर रहा है, अनसब्सक्राइब करो उसको, उस गोभी के पत्ते छीन डालो, नंगा करो उसके पत्तों को, ऐसे दल्ले लोग नहीं चाहिए हमें, हमें कोई नहीं, हमें चाहिए सात वीरात वीर दौड़े सात फट्टू 50,000 नहीं चाहिए हमें, जो है सीधे बोलते हैं नहीं डरते, जो करना है बदने में जाके करो उधर कुछ फर्क नहीं गिरता है, जो है सच बोलता हो, आखिर में आना ही पड़ता है मेरे पास सच सुनने के लिए, इवेंट 201 की मीटिंग फिर से हुई है और फिर से दावोस में चलने वाली है, वहां पे योगी जाने वाला है भजे पाव खाने है ना, वहां पे क्या है भजे पाव मिलते होंगे ना, नहीं तो इतना बड़ा मुख्यमंत्री अपना राज्य का कारोबार छोड़ के वहां पे जा रहा है दावोस में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा लेने के लिए, शपथ लेने के लिए, मैं शपथ लेता हूँ भारत को एक संग रखूंगा और वह न्यू वर्ल्ड के लिए काम करूंगा, चुनाव तुमसे जीते, तुम्हारे वोट से जीते, और काम कर रहे क्लाउस शॉबेज का, बिल गेट्स का, ग्लिंडा गेट्स का, गेट्स फाउंडेशन का, रॉकफेलर फाउंडेशन का, ऐसे लोगों को रस्तों पे दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए जो देश के साथ गद्दारी कर चुके हैं, और तुम लोगों को शर्म नहीं, इतिहास पढ़े तुमने, एजुकेटेड कहते हो तुमको, 350 साल पहले की बात है, गुलामी में गया पढ़ा तुमने, आज क्या हो रहा है गुलामी में जा रहे हो, यू आर नथिंग बट यू विल बी हैप्पी, तुम्हारे घर दार गाड़ी बंगले सब कुछ पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं, और तुम्हारा पंतप्रधान बोल रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें तुम्हारे घर दार गाड़ी बंगला तुम्हारे नस्लें और तुम्हारे फसलें तक नहीं रहने वाली है, और तुम बेशरम लोग थाली और थाली पीट रहे थे, और हम मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, अकेला था क्योंकि मेरे साथ कोई मीडिया नहीं थी, मेरे साथ कोई सोशल यूट्यूबर का मैंने पैसे देके खरीदे नहीं थे, और जिन्होंने मुझे बुलाया था वो उनकी ज़रूरत थी क्योंकि उनके पास कंसेप्ट नहीं थे, उनके पास थॉट्स नहीं थे, उनके पास नॉलेज नहीं था जो कि मेरे पास था, इसलिए मुझे बुलाया, मैं किसी के पास होके नहीं गया, मुझे बुलाया इनवाइट किया गया, भाई साहब हम लोग बहुत डॉक्टर लोग हैं, हम ये जहाँ मैं खुद आता हूँ तुमसे बात करने, यहाँ पे नहीं बुलाया मुझे किसी ने, ये तो मैं विलिंगली आया हूँ, मगर जहाँ पे इंटरव्यू में गेले गया वहाँ पे बुलाया गया, तब मैं गया, तब जाके मैंने वो स्टेज पे बातें कही, मैंने नहीं कहा था मेरे को बुलाओ, कोई उनके बंद वक्त है यहाँ पे, वो बोलते वहाँ पे गए और पब्लिसिटी के लिए, अरे भाई साहब मैं उनकी ज़रूरत नहीं थी मेरे को, आज तुम लोग जागे ठीक है, नहीं जागते तो 50 जागते थे तो भी मेरे को फ़र्क नहीं गिरता था, क्योंकि जब बात करता था तो 5 लोग आते थे लाइव सुनने, तभी फ़र्क नहीं गिरता था, आज
170 है आज भी, फर्क नहीं गिरता है, 10 भी रहते तो भी आता था। मैं मेरा दिया हुआ काम मैं कर रहा हूँ, मेरे कर्मा में कर रहा हूँ, मेरा कर्मा करके मैं छोड़ दिए हैं, वो जाएगा यूनिवर्स में, उसका इम्पैक्ट जो होगा वो होगा, वो गिरेगा, और वो एनर्जी है आज नहीं तो कल फिर मेरे पास आएगी। ये आखिरी टर्न है, इसके बाद सबसे बड़ी बात है जो जागा था वही बचेगा। पहले पहला नारा था जो जागेगा वही बचेगा, अब नारा है जो जागा था वही बचेगा। और मेरे तुम कितना भी चुरा लो, मेरा स्लोगन जो मैंने दिया, मैंने नारा दिया जो दिया, वो लोगों के दिलों में है। तुम मेरा कितना भी कॉपी पेस्ट कर लो, आखिर में लोग कहते हैं हमें ओरिजिनल ब्रांड चाहिए, फर्स्ट कॉपी नहीं चाहिए। तो ब्रांड ब्रांड होता है, और डॉक्टर विलास चड्डा इज अ ब्रांड। तो तुम कितना भी उसका कॉपी कर लो, लोग कहेंगे फर्स्ट कॉपी है, ओरिजिनल तो डॉक्टर विलास चड्डा ही है। क्या तो कॉपी करो, जो करना है करो, ब्रांड आखिर ब्रांड रहता है, तो चुराना नामुमकिन रहता है। चलो ये यू टर्न और पहुंच गए। कोई है कोई कमेंट? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लोगों के लिए ये सब ड्रामा चल रहा है। जय श्री कृष्णा, आप हमारे दिल में कूदे। धन्यवाद भंडारकर जी, रमाकांत गनवर जी नंबर वन ब्रांड। लोकांना अजून पण खरं वाटत नाही, शेवता मात्रे जी मरू द्या, चुलीत घाला त्यांना, गौऱ्या पेटवा त्यांच्या, मसनात पोहोचवा। सर जी मैं आपको 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, यू आर रियल गॉड इन ह्यूमन बॉडी। नहीं भाई साहब मैं आदमी हूँ, ऊपर वाले ने मुझे काम दिया, मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, लोग नहीं करते, बस फर्क इतना है वो अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, अपने कर्मों को भूल जाते हैं। अपना कर्म, हम यहाँ पैदा हुए कर्म करने के लिए, और लोग भूल जाते हैं। मैं सिर्फ जानता हूँ मुझे कर्म है करना है, और मैं अपने कर्म कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो सेकंड ना, 2 मिनट में गाड़ी रिवर्स लेके पार्क कर दूँ। ओके, इंडिया चाइना सीक्रेट ट्रेड डील हुआ है। जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज है, जय भीम, जय जोहार, सत श्री अकाल। जो भी है सारी भाषाओं में जितने भी होंगे, मुझे सुनने के बाद बहुत एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करें। हैशटैग रिजाइन मोदी, हैशटैग गो बैक बिल गेट्स, हैशटैग बॉयकॉट WTF, हैशटैग गो बैक IMF। सर रॉकफेलर के पास टाइम तो नहीं है, अगर इनके पास ये सब होता तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलो बहुत फालतू चीजें चल रहे हैं, अब मैं रखता हूँ, बहुत देर बात कर ली, जो बताया वो कीजिए, हैशटैग चलाइए, वरना ये लोग तुमको मसल डालेंगे, चीटी जैसा मसल डालेंगे। यू आपके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे चलाइए ट्रेंड, लोग क्या कह रहे हैं, लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, याद
रखिए, माचिस की एक तीली भी अपने घर के अंधकार को मिटाने के लिए काफी है। मैंने तो आपके सामने तीली क्या, पूरा मशाल लेके खड़ा हूँ। बस इस मशाल को एक दूसरे के मशाल के साथ जोड़ के उसको स्प्रेड कीजिए। ऑटोमेटिक भारत, और भारत के जहाँ भी भारतीय और हिंदी भाषी रहते हैं और वो हर कोई करता है, जागृति आएगी, उजाला फैलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।